YouTube फैमिली नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुनीता SS ऑफिशियल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी कुशल मंगल हूँ। और फ्रेंड्स, सुबह का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से है फ्रेंड्स आज का। और कुछ देर के बाद फ्रेंड्स, धूप निकलने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है मेरे गांव का नज़ारा। और देखिए किस तरह से बादल जो है छाए हुए हैं फ्रेंड्स। और आज इसी तरीके से मेरा काम जो है स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी मैं कि अधूरा काम मेरा हुआ था क्योंकि लाइट नहीं थे फ्रेंड्स। तो यहाँ का मैं आप लोगों को बताई थी कि लिपाई की थी, बट आप लोगों को यहाँ का जो है ना उस ब्लॉग में नहीं दिखा पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अधिक लॉन्ग हो गए थे। तो ये ब्लॉग जो है ना उसी दिन का है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं जब मैं किचन का लिपाई की दीवार सबको, उसके बाद में अंदर घुस गई थी यहाँ पर। मैं सोची किचन को थोड़ा सा सूखने देती हूँ, उसके बाद में वहाँ का बर्तन सबको, मतलब जहाँ लिपाई की हूँ उधर हटाऊंगी, तो फिर से लिपाई करूंगी पूरे घर का, सोच के मैं अंदर चली गई थी लिपाई करने के लिए। तब तक मेरा लाइट जो है वो कट गया था और मेरा पूरा जो है घर कम्प्लीट नहीं हुआ था फ्रेंड्स लिपाई। तो उसी दिन का है ये वाला ब्लॉग फ्रेंड्स, उसी दिन से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पर ना उस दिन पीली मिट्टी से जो मैंने लिपाई किया था उसी को मैं यहाँ पर फिर से लिपाई कर दे रही हूँ फ्रेंड्स, गोबर और काला मिट्टी से, क्योंकि फट रहे थे फ्रेंड्स। आप लोगों को बताई थी कि मैं पीली मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाई थी फ्रेंड्स, तो उसी की वजह से ना मतलब फट रहा था ये वाला और उचड़ भी रहा था, इसीलिए मैं इसको ना थोड़ा जल्दी से मतलब लिपाई कर दे रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि ये मतलब फटे ना ऐसे सोच करके, इसीलिए इसको मैं लिपाई कर दे रही हूँ। और दीवार को भी काला मिट्टी से कर दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि एक बार ना फिर मतलब सूखेगा तो मैं फिर सफ़ेद मिट्टी से इसको लिपाई कर दूंगी फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसको अभी गोबर और काला मिट्टी से लिपाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आज का ब्लॉग जो है बहुत खास होने वाला है फ्रेंड्स। आप सभी बहुत से फ्रेंड्स बोलते थे कि काला मिट्टी सच में निकलता है या फिर आप किसी कलर को मिलाती हो, तो फ्रेंड्स मैं कलर वगैरह नहीं मिलाती हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ से लाते हैं और किस चीज़ को मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग ना इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा इस वीडियो में, तब आप लोगों को पता चलेगी कि मैं कहाँ से लेकर के आते हैं हम लोग और किस चीज़ को मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी चूल्हा जो है ना उसकी पुताई हो रही है फ्रेंड्स, और चूहे जो हैं फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा मतलब कहीं कहीं पे का खोद दिए हैं फ्रेंड्स। मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, वहाँ पर खोद दिया है चूहा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा जो है गड्ढे नहीं किए हैं, ज़्यादा बर्बाद नहीं किए हैं, थोड़ा सा ही हुआ है। तो मैं उसको भी अभी लिपाई कर दूँगी फ्रेंड्स। और अभी जो है ना लगभग उसी दिन का है फ्रेंड्स ये वाला ब्लॉग, तो 2 बज ही चुके थे फ्रेंड्स, तो और नहाने के लिए भी था मुझे, इसीलिए थोड़ी सी मैं इस वाला लिपाई को थोड़ी फास्ट कर रही थी और इसको ना कुछ डिजाइन वगैरह नहीं बना रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि इसको तो फिर से दोबारा मेरे को लिपाई करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं बना रही थी, बस सिंपल ही तरीके से ऐसे ही मतलब मैं लिपाई करते जा रही थी, बस इसको ना फटने से बचने के लिए बस मैं इसको ऐसे ही लिपाई कर दे रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार फिर से जब पुताई करूँगी ना दीवार को थोड़ा ऊपर का जो काला मिट्टी और गोबर की उसको, तो फिर से मतलब गंदा हो ही जाएगा नीचे का, तो मैं एक बार फिर से गोबर से लिपाई करूंगी, इसीलिए इसको मतलब मैं ऐसे ही लिपाई कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ का मैं छपाई करते हुए दिखाई थी तो बनता है मुझे दिखाने का, बट इसीलिए आप लोगों को मैं दिखा दी फ्रेंड्स। और अगले ब्लॉग में तो लॉन्ग हो गए थे इसीलिए मैं नहीं डाल पाई फ्रेंड्स। और अभी जो है ना हम लोग इसको मतलब कंप्लीट करने के बाद ही फ्रेंड्स मैं जा पाऊंगी आप लोगों को काला मिट्टी दिखाने के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स। और लाइट जो है ना फ्रेंड्स थोड़ी सी आए हुए थे यहाँ पर, तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं लिपाई की हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और अभी ना नहाने के लिए जाऊँगी फ्रेंड्स पहले, तो मैं नहा करके आऊँगी ना, उसके बाद ही आप लोगों को ले जाऊँगी फ्रेंड्स मिट्टी दिखाने के लिए काला मिट्टी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ना नहा धोवा करके निकल चुके थे हम लोग और आ गए हैं फ्रेंड्स पहाड़ साइड पे। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स बोलते थे कि दिखाइएगा दिखाइएगा कहाँ से लाते हैं, तो फाइनली आज मैं उस जगह पे आ रही हूँ फ्रेंड्स और हाथ पे रस्सी वगैरह ले ली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इधर ना पहाड़ है
तो आजकल तो बहुत अधिक ठंडी है फ्रेंड्स, तो हम सोचे कि इधर आए हैं तो थोड़ा बहुत लकड़ी भी चुन करके ले जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और लकड़ी कम पड़ जा रही है मेरे घर पे, तो जलाने के लिए भी तो आवश्यकता पड़ रही है मेरे को, इसीलिए मतलब आए हुए हैं। और हमारी छोटी के पापा जी को भी साथ लेकर के आए हैं, क्योंकि हम लोग दोनों छोटी के साथ में डरते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग दोनों नहीं आते हैं, उनको साथ में लेकर के आते हैं, और कोई आता है तो उनको लेकर के आते हैं। बहुत ज़्यादा पहाड़ है ना, इसीलिए डर भी लगता है, बहुत झाड़ी वगैरह है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स, यहीं से हम लोग निकाल करके ले जाया करते हैं। और सूखा मिट्टी इधर नहीं है, अलग मिलता है सूखा मिट्टी, वो दूर होता है, तो मैं यहीं का आप लोगों को दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कि हम लोग किस चीज़ को मिलाते हैं गोबर में। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही चिक्कन है और बहुत ज़्यादा फिसलन है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और मेरा हाथ में जब पड़ा है ना, तो ये मतलब बहुत लसलस है फ्रेंड्स, चिपक जाता है, छूटता नहीं जल्दी, तो इसको अभी रगड़ूंगी हाथ को ना, तभी ये छूटेगा। तो हम लोग ना यहीं से निकाल करके ले जाते हैं फ्रेंड्स गोबर में मिलाने के लिए काला मिट्टी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से ना अभी हाथ धो करके फ्रेंड्स थोड़ी सी लकड़ी चुनने के लिए पहाड़ पे चले जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं बस आए हुए हैं तो घर पे भी नहीं है, तो उसके लिए भी आवश्यकता है मुझे, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, और हमारी छोटी के पापा और छोटी जी आगे आगे चल रही हैं और मैं पीछे हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ का ना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, लेकिन हम लोग छोटे पहाड़ पे आए हुए हैं, तो अभी इसको भी हम लोगों को चढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। और अगल बगल में है वाला और बड़ा बड़ा है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, इसमें कम चढ़ना पड़ता है, इसलिए इसी पे आए हुए हैं। तो थोड़ी सी हम लोगों को ना खूंटा वगैरह लेना है फ्रेंड्स, कुछ कुछ सुखाने के लिए, उसके लिए माचा बनानी है, तो इसीलिए छोटी के पापा जी को लेकर के आए हैं। और मेरे से काटने के लिए बनता नहीं, होता नहीं, इसलिए मतलब वो काटेंगे तो मैं ढो करके ले जाऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए वो काट रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं जो है अपने लिए झूरी थोड़ा बहुत चुन रही हूँ फ्रेंड्स। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से काट रहे हैं, और उसको ला करके घर पे हम लोग माचा बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से, जिसका जो है दो झेकना होता है ना, उसी को काट करके लाएंगे हम लोग, इस तरीके से देखिए काटे हुए हैं। तो हम लोगों को चार की ज़रूरत है, अभी एक काटे हैं लेकिन चार की ज़रूरत है हम लोगों को, और इसको हम लोग माचा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ना पूरा लकड़ी सबको बांध करके ना वापस घर आ रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं जो हो ना बहुत आगे चल रही हूँ और इन लोग बहुत पीछे हैं मेरे से। तो देख सकते हैं आप लोग, छोटी यहाँ है और मैं बहुत आगे आगे चल रही हूँ इन लोगों से, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ी वजन लग रही थी लकड़ी, इसलिए मैं थोड़ी इन लोगों से फास्ट चल चलते आ गई फ्रेंड्स। तो यहाँ आने के बाद देखिए घर पे पहुँच चुके हैं, और ज़्यादा नहीं थे लकड़ी, भी थोड़ी ही ढोई थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद ढोई तो थोड़ा सा वजन लगने लगा था। तो देखिए घर पे आने के बाद ना अभी शाम हो चुके हैं फ्रेंड्स, लगभग 6 बज ही चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ना शाम का जो है आग जलाने के लिए मेरा जो है चूल्हा जो है वो लिपाई हो रही है, और आजकल ना कोहरा की वजह से बहुत ज़्यादा शीत गिर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है। तो मैं यहाँ पर ना शॉल स्वेटर पहन ली हूँ फ्रेंड्स, और चूल्हे की जो है लिपाई कर दे रही हूँ, क्योंकि सफ़ेद मिट्टी से लिपाया हुआ था ना अच्छा नहीं लग रहे थे, जो तेल सब गिरा हुआ है वो पूरा काला काला दिखाई दे रहा था स्पष्ट, इसीलिए मैं सोची एक बार लिपाई कर देती हूँ मिट्टी से। और मिट्टी से लिपाई करने से ना नहीं दिखाई देता है, जो तेल का छींटा रहता है वो सब मतलब पूरी तरह से अच्छा दिखता है, वो काला काला नहीं नज़र आता है। तो देख सकते हैं इधर भी काला काला दिख रहा है सफ़ेद मिट्टी से, जो तेल है मतलब गिर गया है ना वही सब दिखाई दे रहा है, कुछ और नहीं है। नहीं तो इसका लिपाया हुआ ना 2 दिन भी नहीं हुआ था सफ़ेद मिट्टी से, और मैं फिर से लिपाई कर दे रही हूँ इसको, देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जो है धब्बा धब्बा दिखाई दे रहे थे काला काला, इसीलिए मैं यहाँ पर मिट्टी से लिपाई कर दे रही हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। देखिए तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरा चूल्हा जो है ना बहुत अच्छे से चमक आ रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो ये वाला मिट्टी भी ना पीला मिट्टी है फ्रेंड्स, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये पीला मिट्टी है, क्योंकि सफ़ेद से पहले पोताया हुआ था ना, उसके बाद में पीली मिट्टी से पोताई कर दे रही हूँ, तो ये पीली मिट्टी ही है। और मतलब कैमरे पे मुझे दिखता नहीं कि कहाँ पे छूट रहा है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए चूल्हे पे कहीं पे छूट रहा है मेरा लिपाई, थोड़ा सा छूट रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि मैं देख नहीं पाई फ्रेंड्स। और
आधा अधूरा मेरा लिपाई रह गया फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी ही बच गए। तो इस तरीके से लिपाई करने के बाद फ्रेंड्स, आग वगैरह जलाने के बाद जो है मैं आज मटर और आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। और मेरा कढ़ाई जो है ना थोड़ी ज़्यादा लेट तक चढ़ाया हुआ था और मैं मतलब तेल खोजने में लग गई थी तो ज़्यादा ही गर्म हो गए, उसके बाद काला हो गए फ्रेंड्स वहाँ का। तो इसमें ना मैं प्याज जो है वो डाल दी हूँ फ्रेंड्स। अभी प्याज कुछ देरी तक मतलब वो रहेगा, देखिए ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी फ्रेंड्स जो कि मटर और छोटे छोटे पीस में काटी हुई थी फ्रेंड्स आलू, तो मैं वही डाल दी फ्रेंड्स। और इसको ना मैं अच्छे से भूनूंगी अभी कम से कम 5 मिनट तक फ्रेंड्स, ताकि मेरा मटर और आलू जो है ना अच्छे से भुना जाए। और हम लोग किस तरीके से बना करके खाते हैं बिल्कुल मैं वही आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद जो है मेरा मटर और आलू ना बहुत अच्छे से भुना चुका है फ्रेंड्स। और मैं ना इसमें अभी जो है छोटे छोटे पीस में टमाटर काट करके रखी हुई हूँ, वही डाल दूँगी फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं। और इसको ना घुलने के लिए थोड़ी सी नमक भी डाल दूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद में ना इसको अभी मैं फिर से ढक दूँगी थाली से और क्या बोलते हैं 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद ही इसको खोल करके मतलब पूरा टमाटर जो है वो गीला करूँगी फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं मैं इस तरीके से टमाटर को ना ढक दे रही हूँ आलू पे, और अभी इसको मैं बर्तन से भी ढक दूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए मैं बर्तन से ढक दी हूँ और इसको ना अभी मैं 5-6 मिनट हो ही चुका था लगभग, उसके बाद मैं खोली हूँ तो मेरा टमाटर जो है ना थोड़ा गीला होने जैसे हो रहा है फ्रेंड्स। और कुछ देर के बाद देखिए गीला हो चुका है मेरा टमाटर। अब इसमें ना मैं हल्दी डाल दूँगी फ्रेंड्स, देसी हल्दी जो सिल्वर से मैं पिसाई की हूँ फ्रेंड्स, तो इसमें हर चीज़ मिलाया हुआ है। और थोड़ी सी भूनने के लिए इसमें पानी भी डाल दी फ्रेंड्स मैं हल्दी पे, तभी इसको मैं अच्छे से भूनूंगी मेरा हल्दी को, ताकि अच्छा मतलब स्वाद आए, टेस्टी आए। तो मेरा हल्दी जो है अभी मैं कम से कम 10 से 15 मिनट भूनने के बाद जो है फ्रेंड्स मेरा हल्दी भी भुना चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा दिखाई दे रहा है मेरा आलू और मटर। तो इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स थोड़ी सी, क्योंकि मुझे रासा बनानी है हल्की हल्की, और अभी सुबह का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है, तो शाम पे तो एक बार खाना खाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी फैमिली है, ज़्यादा तो नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा रासा डाली हुई थी फ्रेंड्स। और कुछ देर के बाद ना उतराने के बाद मेरा सब्ज़ी देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इसमें मैं धनिया पत्ती जो है ऐड कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। और मेरा देसी सब्जी फाइनली बन करके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और मिलूंगी फ्रेंड्स एक अच्छे से नए वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेना चाहती हूँ फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।